गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन अलका ब्लॉग्स। तो आज है 24 अप्रैल, रात के 8 बज चुके हैं। आज कुछ खास है, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप लोग चाहे तो विश कर सकते हैं, बट ये वीडियो आपको कल या परसों जाएगा, 25 या 26 को जाएगा। तो मैं डिनर में कुछ बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेसिपी शेयर कर दूं आपके साथ। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, आज दोनों बच्चों ने, मतलब श्रेय और सृष्टि ने, हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट केक बनाया है। मैं उसको आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा बनाया है, बिना मेरी हेल्प के, मैंने कुछ भी हेल्प नहीं की है, दोनों ने मिलके बनाया है। देखने में बहुत ही प्यारा है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। हम लोग बस ये बना करके डिनर, उसके बाद केक कटिंग करेंगे, तो आप लोग भी सब हम लोगों की खुशी में शामिल होइए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आप पीछे देख ही रहे हैं कि मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मसालेदार आलू पूरी। तो ये आटा लिया है मैंने, गेहूं का आटा है, और आलू बॉयल करके रखे हुए हैं। उसके साथ कुछ मसाले लगेंगे, ये हरी मिर्च मैंने काट ली है, ये है अजवाइन, ये है लाल मिर्च, ये थोड़ी सी हल्दी है, ये जीरा पाउडर है, ये एवरेस्ट का मैंने गरम मसाला लिया है, और ये नमक है, और ये धनिया पत्ती है। तो बस इतना ही सामान लगना है, और ये पानी लिया है, तो बस इतना ही सामान लगेगा। फटाफट मैं आटा लगा लेती हूँ। सबसे पहले आलू को मैं इस पीसने की हेल्प से पीस लूंगी। आलू को ज्यादा देर तक कुकर में नहीं रखें, जैसे ही कुकर ठंडा हो तुरंत आलू निकाल लें और गरम गरम ही छील लें, नहीं तो फिर छीलने में प्रॉब्लम जाती है। और आलू को ज्यादा देर तक नहीं बॉयल करना है, उसमें बीच से आलू फटने नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत गीली हो जाएगी, उतनी अच्छी फिर पूरी नहीं बनेगी। आलू किस गई है, अब आटा लेंगे, आटे में आलू को मिक्स करेंगे। ये आटा लगभग जो मेजरिंग कप आता है उसमें 2.5 कप है। अब इसमें ये सारे मसाले जो दिखाए थे वो मिक्स करेंगे। ये हरी मिर्च डाल देंगे, अजवाइन को थोड़ा सा हथेली में लेकर के ऐसे मसल लेना है, फिर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला है, एवरेस्ट का गरम मसाला है, सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए जैसा आपको पसंद है। ये जीरा पाउडर है, भुना जीरा पाउडर, ये नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, ये धनिया पत्ती डाल रही हूँ, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। आलू और आटे को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, अभी पानी नहीं डालेंगे, और जब भी पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आप इसको टमाटर धनिया पत्ती की चटनी के साथ या सेजवान चटनी के साथ या दही के साथ खा सकते हैं, और चाहे तो आलू की सब्जी भी बना करके खा सकते हैं इसके साथ। ये सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे पूरी का आटा लगाते हैं वैसा आटा लगाना है। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। आटा बिल्कुल रेडी हो गया है पूरी बनाने के लिए, इसको रखना नहीं है, बस आटा साना और तुरंत कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने। देखिए कढ़ाई चढ़ा दी और स्टार्ट भी कर दी गैस, और तेल डाल दिया उसमें। अब मैं फटाफट पूरी बनाती जाऊंगी और तलती जाऊंगी। ज्यादा देर रखने से क्या, नमक डाला है ना तो आटा पसीज जाएगा और गीला हो जाएगा।
थोड़ा सा तेल लगाएंगे पटे में और इसको बेल लेंगे। कितने आसानी से बेल रही है पूरी, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। बहुत सुंदर केक है भाई। कौन सा केक बनाया है श्रेय? चॉकलेट ट्रफल ब्रो। ये किसने किसने बनाया? तुमने बस की सृष्टि ने भी हेल्प किया है। नीला 5% काम किया है और रोया है और डार्क चॉकलेट चटाई है। सही है, बहुत सुंदर केक बना है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। नहीं बहुत फूला, कितना बढ़िया। थैंक यू। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और उसका आंसर तुमसे कोई एक एक ऑल्टरनेट, तो तुमसे जैसे पूछा। चलो देखो, अब पापा को नहीं दिखा सकते। आपका फेवरेट कलर कौन सा? जल्दी लिखो। नहीं नहीं रुक, तो आपका फेवरेट एक ही होता है फेवरेट कलर। माँ लिख दिया ना, बस अब मोबाइल दे दिया करो। हाँ अब पापा आप बताओ, मम्मा का फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक है हमारे पापा, मम्मा का फेवरेट कलर ब्लैक है, मम्मा का फेवरेट कलर। ये तो मुझे तक पता था। मी कितने साल मुझे, हाँ मुझे तक पता था। मी कितने साल हो गए साथ में? कितने कितने? तुम लोग को वो वाली डेट याद है जब तुम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे? हाँ याद है। ये लो लिखो। अरे पूरा दिन। पापा बताओ, आप मम्मा से सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? पापा कोई बात नहीं, पापा होता है। आप मम्मा सबसे कहाँ मिले थे? जगह का बताओ ना, जबलपुर क्या होता है? जबलपुर में एक शादी में गए थे। किसकी शादी है? हाँ क्लोज जो भैया की लड़की की शादी। हाँ सच्ची? अरे मेरे पास मस्त क्वेश्चन है इसके लिए। बस एक सेकंड, अब तो सारे तुमसे पूछ रहे हो बेटा, बहुत पता है ना तुमको। चलो ठीक है, केक काटते। चलो चलो आप थोड़ी देर को। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, और बहुत सारा प्यार करो। यार मेरे को भी खाना, जल्दी जल्दी खाओ। लुक्स टेस्टी, लुक्स। लेमोटी। अच्छा केक है, बढ़िया केक, मस्त केक बना। थैंक यू। इसका पनिशमेंट दूंगा, रुको ये लो खा लो। पूरे फेस में लगा दिया केक, गंदा बच्चा। Oh,
बस हो गया, रुकना भी होता।